हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड मास्टर एजुकेट। स्वागत है आपका एक नए लर्निंग वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज स्पेशली अबाउट ऑप्शन बायर्स। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बाइंग में भी क्या हम लोग स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लोगों को नुकसान नहीं होगा और बहुत अच्छे से हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं? हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज ये स्ट्रेटेजी के पूरे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो को आखिरी तक देखना फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि एज़ पर द न्यू रूल्स ऑफ द सेबी हम लोगों को पता है कि इक्विटी में बाइंग और सेलिंग करना, मतलब ट्रेडिंग करना, फ्यूचर में ट्रेडिंग करना और इवन ऑप्शन सेलिंग करना, ये बहुत मुश्किल हो चुका है। और आगे जाके लिवरेज के वजह से धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आने वाली है जिन लोगों के पास कैपिटल कम है। तो हम लोग सबको पता है कि धीरे धीरे जितने भी रिटेल ट्रेडर है ये ऑप्शन बाइंग की तरफ आने वाले हैं। बट ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा एक अनफॉर्चुनेटली ड्रॉबैक है, मैक्सिमम लोग उसमें लॉसेस करते हैं। द रीजंस बिहाइंड दैट वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे और ये स्ट्रैटेजी को कैसे डिप्लॉय करें ये भी हम आज सीखने वाले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिरी तक देखना। दिस इज अवर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। सो बेसिकली जब भी ऑप्शन बाइंग की बात आती है तो हमें पता है कि थीटा इज द वन ऑफ द ऑप्शन ग्रीक जो हमेशा प्रीमियम डीके करते रहता है। तो बेसिकली थीटा इज नथिंग बट इरोजन विच हैपन्स इन द ऑप्शन प्राइस डे बाय डे। अगर इवन ऑप्शन में अगर मतलब जो भी आपके ऑप्शन प्राइसेस है वो वहाँ पे जो थीटा होता है, जो प्रीमियम होता है, टाइम वाली होती है, वो धीरे धीरे कम होती है। उस वजह से अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया और मार्केट में मूवमेंट नहीं आती, वहीं पर रहता है, तो आपका डीके आपको क्लियरली दिखाई देगा। इवन अगर वहाँ पर मूवमेंट होती है तब भी थीटा डीके होता है तो भी आपको वहां पे उतने पॉइंट का प्रॉफिट कम होगा अगर आपके डायरेक्शन में हुआ, और अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो आपको फिर उतना ज्यादा लॉस होगा। सो दैट इज द थीटा। अब ऑप्शन बाइंग जब भी हम करते हैं तो उसे एक सिस्टमैटिक मेथड से ट्रेड करना बहुत जरूरी है। वो क्यों? अगर ये पॉइंट जब तक आप नहीं समझोगे तब तक नेकेड ऑप्शन बाइंग आप उसे नहीं छोड़ सकते। और अगर नेकेड ऑप्शन बाइंग से बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता तो सभी लोग इतना प्रॉफिट तो आज तक कर लेते, बट ऐसा नहीं होता। सो ऑप्शन बायर ही सबसे ज़्यादा मनी या फिर प्रॉफिट, जो भी कैपिटल बोलो, ये लूज करते हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट कि ऑप्शन बाइंग करते समय कुछ चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहला पॉइंट है उसमें कि ऑप्शन बाय करते समय आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। द डायरेक्शन शुड बी क्लियर। नाउ द पॉइंट इज दैट इवन द डायरेक्शन इज क्लियर, या फिर हमने जो एक डायरेक्शन प्रेडिक्ट की कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है या डाउन साइड जाने वाला है, तो अगर ये आपने प्रेडिक्ट भी सही कर लिया देन हाउ मेनी ट्रेडर्स आर सक्सेसफुल टू मेक प्रॉफिट इवन इफ दे आर राइट। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने ट्रेड इनिशिएट किया और उस डायरेक्शन में ही मार्केट जाता है, बट फिर भी आप जो मार्केट में शेकआउट्स होते उस वजह से आप लोग उस ट्रेड को एग्जिट कर जाते हो। तो वो एक वजह है कि इवन आप उसी डायरेक्शन में सही रहो लेकिन आप प्रॉफिट नहीं कर पाते। सो अगर ये बातें अगर आपको सही में अच्छी लग रही तो हिट द लाइक बटन। रिक्वायर्स मोमेंटम इन द मार्केट। जनरली बोला जाता है कि ऑप्शन बायर कब एंट्री करते हैं मार्केट में, जब मोमेंटम हो। मोमेंटम मतलब क्या? स्पीड। अगर निफ्टी 50 पॉइंट्स का ट्रैवल करता है अपसाइड या डाउन साइड तो वो कितने स्पीड के साथ, मतलब कितने कम टाइम में या कितने टाइम में ये जो 50 पॉइंट्स की मूवमेंट है ये हो चुकी है। तो अगर वो मोमेंटम आती है, मतलब आने वाली है, तब जाके उस समय पे ऑप्शन बायर एंट्री करते हैं। वो भले ही सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या फिर कोई ट्रेंड लाइन हो, ब्रेकआउट हो, उसे देखते हुए हम लोग एंट्री करते हो। बट इवन आफ्टर द ब्रेकआउट और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर अभी हम ट्रेड करते हैं तो इज़ इट रियली पॉसिबल दैट द मोमेंटम विल बी इन आवर हैंड? तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर वो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश है बट वो मार्केट में मोमेंटम सही में होगा ये जानना बहुत ही मुश्किल बात है, वो हमारे हाथ में नहीं होता अगर कोई हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो इस वजह से भी हम लोगों को ऑप्शन बाइंग करते समय पे ध्यान रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट, अगर वहाँ पे मूवमेंट नहीं आती, मान लो कि आपने प्रेडिक्शन किया और वहाँ पे अगर मूवमेंट नहीं आती तो होगा क्या, जो थीटा है वो धीरे धीरे आपको लॉस देना स्टार्ट करेगा, तो प्रीमियम डीके होगा और आपको धीरे धीरे उस पोजीशन में लॉस दिखेगा। इफ
ट्रेड स्टार्ट गिविंग सडन लॉसेस। आपने बहुत बार देखा होगा कि होता क्या है कि बहुत बार सडनली एक मूवमेंट आ जाती है और आपको एकदम क्विकली वहां पे लॉसेस दिखते हैं। उस वजह से क्या होता है, ऐसे कंडीशन में या सही में हम लोग उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं? बहुत बार आपने देखा होगा कि एक बड़ी मूवमेंट मतलब स्पाइक आ जाता है अप या डाउन साइड में और उस ट्रेड को हम एग्जिट कर जाते हैं और फिर जो भी ऑप्शन है वो उसी प्राइसेस में धीरे धीरे मूव होने लगते हैं, तो फिर हमें फिर से वो फिर हम उसे हायर प्राइसेस पे बाय करते हैं। तो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द ओवर ट्रेडिंग, और ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही बहुत सारे लोग सिर्फ मार्केट में ब्रोकरेज देते हैं और बहुत बड़े लॉसेस का सामना करते हैं। तो आपने बहुत बार ये बात भी सुनी होगी कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, तो बहुत बार मार्केट ऊपर जाता है, धीरे आता है, आप लोग कहते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया, फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में गया। तो ये तो हमेशा दिस इज द नेचर ऑफ मार्केट। तो हमेशा मार्केट की जो मूवमेंट होती है ना, कभी भी मार्केट ऐसे एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता। अगर मार्केट को अपसाइड भी जाना है तो मार्केट ऐसे 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 मूवमेंट करता है। तो ये बेसिक नेचर है मार्केट का। तो अगर ये बेसिक नेचर है ही मार्केट का, अपसाइड भी जाए या इवन डाउनसाइड भी आए, तो ऐसे मूवमेंट होते रहती है। तो इस समय पे ये पॉइंट्स पे आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अगर आपको पता ही है बेसिक नेचर जो मार्केट का यही है, तो आप एक ऐसे सिस्टम के साथ ऑप्शन बाइंग करो कि आप उस ट्रेड को ऐसे जगह पे भी होल्ड कर सको। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ उसके कुछ बेनिफिट्स है। ये बेनिफिट्स है क्या उसको देखते हैं कि अगर मान लो अगर आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हो, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके जो लॉसेस है वो मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके जो लॉसेस है वो मिनिमाइज्ड हो जाएंगे। ऑप्शन बाइंग में भी वैसे भी अनलिमिटेड लॉस नहीं होता, बट उससे भी कम होंगे। जहाँ पे अगर आपको 30 पॉइंट का लॉस होगा, उस जगह पे आपको वही लॉस 10 पॉइंट्स में आ जाएगा। तो आपके लॉसेस और लिमिटेड हो जाते हैं इस स्ट्रेटेजी में। सेकेंड पॉइंट इज डिफाइंड टारगेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होता क्या है, आप बहुत बार आपने देखा होगा कि हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं 100 रुपीज़ पे, और ये जो ऑप्शन है ये 125 पे चला जाता है। अब 125 प्राइस पे जाने के बाद हमें यहाँ 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग एक बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब लोग हम यहाँ पे ट्रेड एग्जिट करें या फिर उसे होल्ड करें, क्योंकि हमेशा लगता है कि जो हमने ऑप्शन बाय किया हुआ है वो 100 से 125 गया, वो शायद 135 चला जाए, शायद ये 140 चला जाए। तो कभी भी हमेशा ग्रिड यहाँ पे हावी हो जाती है, और ये ग्रिड की वजह से हम लोग सही समय पे उसे एग्जिट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है क्योंकि जो ऑप्शन हमने 100 रुपीज़ पर बाय किया हुआ है वो शायद 150 भी चला जाए, 200 भी चला जाए, 250 भी, बिकॉज देयर इज़ अ अनलिमिटेड मूवमेंट कैन हैपन। ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, इसीलिए हमेशा हम इस ट्रेड को सही जगह पे एग्जिट नहीं कर पाते। और यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि जो 100 का ऑप्शन है 125 पे जाता है, हम लोग बुक नहीं करते, और फिर वो फिर से 100 पे आ जाता है, रिग्रेट होता है, और समटाइम्स वो नीचे जाके भी ट्रेड करने लगता है कि 100 से भी नीचे चला जाए और यहाँ 95 पे ट्रेड करे। तो ये बहुत बार मार्केट में होता है फ्रेंड्स। अब इस वजह से कभी भी ऑप्शन बाइंग में स्टेबलाइज हो पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अनलिमिटेड टारगेट के वजह अगर एक कोई लिमिटेड टारगेट हो तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इस टारगेट को मैं लिमिटेड टारगेट कहने से अच्छा मैं कहूँगा कि ये डिफाइंड टारगेट आपके सामने रहे। अगर आपके सामने एक डिफाइंड टारगेट रहेगा तो आप वो सिस्टम में काफ़ी अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ उसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस वजह से ये जो ट्रेडिंग है स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग होती है, और इवन अगर मार्केट में अप और डाउन होते हैं तो शेकिंग मोमेंट्स होते हैं, तो आप उसमें सस्टेन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इस वजह से ओवर ट्रेडिंग से आप बच सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत बार जब हम लोग यहाँ ट्रेड इनिशिएट करते ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, हम लोग यहाँ ट्रेड को एग्जिट कर जाते हैं, फिर ये नए प्राइस पे जाता है, हम लोग फिर से यहाँ ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, फिर वो थोड़ा सा नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाता है, इस वजह से ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। और होता क्या है, जब एक मोमेंटम हो रही है मार्केट में, हमें पता है कि एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में ट्रेड जो ट्रेंड है मार्केट का वो अपसाइड में है और आज यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, तो अगर आप नेक्स्ट डे उसे कैरी करते हो तो आपका जो थीटा है वो आपके प्रीमियम को धीरे धीरे किल करने लगेगा।
तो उस वजह से अगर मार्केट कल साइडवे ओपन होता है तो जहां पे ऑप्शन प्राइस यहां पे मान लो 80 रुपीज का था, वो ऑटोमेटिकली 80 का न होते हुए यहाँ पे शायद 75 या 70 पे ओपन हो, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से 5 to 10 पॉइंट का लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप नेकेड बाइंग करते हो तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए पोजीशन, अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे में, तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट आप इस स्ट्रैटेजी के साथ जाओगे तो आप कोई भी पोजीशन, आप इसे जो रनिंग प्रॉफिट अगर दे रही है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो इतने सारे बेनिफिट्स इस स्ट्रैटेजी के हैं। तो चलो फ्रेंड्स, इस स्ट्रैटेजी के बारे में देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है क्या। सो फ्रेंड, बेसिकली दिस स्ट्रैटेजी इज थीटा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। तो हम जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ये स्ट्रैटेजी में हमारा मेन जो फोकस है वो रहेगा कि जो हमारा थीटा है उसे हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अगर इस थीटा को कंट्रोल करना है तो हमें थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन होनी है, क्योंकि जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं, मतलब जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो, उस स्ट्राइक प्राइस पे थीटा कहाँ पे है। तो ये थीटा आप सेंसिबल में जाके चेक कर सकते हो, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वहाँ से भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। जैसे मैंने आपको डेल्टा के बारे में, डेल्टा की वैल्यूज कहाँ से देख सकते हैं ये बताया था, वैसे ही आप वहाँ से थीटा की भी वैल्यू आप चेक कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको दो पोजीशन लगेगी मिनिमम। अगर मान लो आपका जो व्यू है मार्केट में वो बुलिश है, तो आप लोग क्या करोगे, आप एक कॉल बाय करोगे एट द मनी रहे या इन द मनी रहे, और उसके नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का आप एक कॉल सेल कर दोगे। मतलब एक कॉल अगर आपने 100 रुपीज पे बाय किया हुआ है, तो नेक्स्ट कॉल जो है वो आप 80 रुपीज पे या 70 रुपीज पे सेल कर दोगे। मतलब हायर प्राइस का ऑप्शन आपको बाय करना है और लोअर प्राइस का आपको सेल करना है। बट आपको एक ध्यान रखना है, इसका थीटा अगर 10 है तो आप जो सेल कर रहे हो उसका भी थीटा 10 के आसपास रहे। तो ऑटोमेटिकली अगर आप एक बाय करोगे सेल करोगे तो आपका जो थीटा है वो न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, बहुत बार ये न्यूट्रल नहीं बनेगा, तो आप 8 रुपीज भी रहे तो भी आपका थीटा कंट्रोल में रहेगा। अगर आप बियरिश व्यू रखते हो तो आप एक पुट बाय करोगे, और नेक्स्ट पुट जो है कम स्ट्राइक, मतलब नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस वाला, मतलब कम प्राइस वाला, जिसका जो ट्रेडिंग प्राइस है वो कम होगी जो बाय करने है, और इसको सेल कर दोगे। सो अगर ये स्ट्रेटेजी आप डिप्लॉय करते हो, बेसिकली फ्रेंड्स दिस इज बुल कॉल स्प्रेड एंड दिस इज बियर पुट स्प्रेड। बट ये नाम समझ के कोई मतलब नहीं है। जब तक आप ये स्ट्रेटेजी को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और इसके फायदे क्या है, ये जब तक आप नहीं समझोगे तब तक ये स्ट्रैटेजी से आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि जैसे निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 13,250, यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और हमारा व्यू बुलिश है। तो यहाँ पे जब निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 13,300 का एक कॉल 81 रुपीज पे बाय कर रहे हैं जिसका थीटा 10 है। ठीक है, उसी समय पे हम 13,400 सी का कॉल सेल कर रहे हैं, उसका थीटा 8 रुपीज़ है, 8 पॉइंट्स है। तो होगा क्या, अगर आप थीटा के एडिशन करोगे, एक बाय है और एक सेल है, तो ऑटोमेटिकली सिंपल मैथमेटिक्स है, आपका जो थीटा बनने वाला है वो बनेगा 2 पॉइंट्स, तो आपका थीटा अंडर कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ नेकेड कॉल बाय करते हुए 13,300 का कॉल अगर आप सिंपल बाय करते हो, तो इस जगह पे क्या होगा, आपका थीटा कितना है, तो आपका थीटा है 10 पॉइंट्स। अगर निफ्टी कहीं मूव नहीं करता, इसी 13,250 पे रहता है, तो आपको ऑटोमेटिकली 10 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। बट अगर आपने ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट की और निफ्टी 13,250 पे ही इसी जगह पे अगर रहता है, तो आपका लॉस 10.8, मतलब आपका जो थीटा है वो सिर्फ 2 पॉइंट है, तो आपको इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा उस जगह पे। सो फ्रेंड्स, इसी स्ट्रेटेजी को कहते हैं थीटा कंट्रोल स्ट्रेटेजी या थीटा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। फ्रेंड, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था, ये 4 दिसंबर को हमने ट्रेड इनिशिएट किया था। और इस ट्रेड में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक बुलिश व्यू, आप टाइम देख लो, ये 4 दिसंबर का है, आप टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हो। दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज अवर लिंक, आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, बाय 13,300 कॉल एट 81-82 रुपीज़ एंड सेल 13,400 सी एट 44 रुपीज़, सेम एक्सपायरी,
और इसकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने यहाँ पे लिखी थी, 11:13 पे ये कॉल हमने दिया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये निफ्टी का चार्ट है, आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, दिस इज द 15 मिनट चार्ट ऑफ द निफ्टी एंड दिस इज 4 दिसंबर, राइट। तो ये जो पॉइंट है हमने यहाँ पे एंट्री की थी, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो हमने एक सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉ किए थे, यहाँ आप देख सकोगे यहाँ पे एक लाइन थी, मतलब एक जोन था जो रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर इसी जोन में निपटी रहा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। तो ये जो जगह है यहाँ पे हमने ट्रेड को इनिशिएट किया। अब यहाँ पे अगर हम नेकेड बाइंग करते थे तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ से ये कितना नीचे आया, बट हमें पता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया और यहाँ तक आने के बाद भी उस ट्रेड को होल्ड कर सके। अगर ये नेकेड बाय करते थे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, बट हमने स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड किया था इसीलिए इस जगह पे हम उसे होल्ड कर सके। अगर इसके नीचे चला जाता तो इसके नीचे डायरेक्टली सपोर्ट यहाँ पे था, तो इसके नीचे अगर वो निफ्टी चला जाता तो हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देते, बट एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया और जैसे ही हमने जो सोचा था अकॉर्डिंग टू दैट निफ्टी ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे नीचे आया, फिर एक अपसाइड मूवमेंट हो गई और नेक्स्ट डे भी अपसाइड मूवमेंट होती रही। अब अगर आप इसको वही चार्ट में जाके देखोगे, देखो ये 13,300 सी है, दिस इज द पॉइंट वेयर वी एंटर्ड, 81 to 82 रुपीज़ हमने यहाँ पे एंट्री की। जब वो मूवमेंट 11 के बाद अगर नीचे के हमारे अपोजिट हुई तब यहाँ से 82 रुपीज़ से ये चला गया था 50 to 51 रुपीज़, मतलब 30 to 32 पॉइंट का लॉस यहाँ पे हो रहा था अल्टीमेटली इस बाइंग कॉल में। अगर आपने कोई 82 पे बाय किया और वो 32 पे यहाँ पे 50 रुपीज़ पे जाके ट्रेड करने लगे और 30 पॉइंट का या 32 पॉइंट का लॉस होगा, तो कोई भी ऑप्शन बायर यहाँ नहीं रुकेगा। तो फ्रेंड्स उसी जगह पे हमने क्या किया, 82 रुपीज़ पे इसे बाय किया था और 81 रुपीज़ पे हमने यहाँ बाय किया था, 82 81 रुपीज़, और हमने ये 13,400 का कॉल है, इसे हमने 44 45 रुपीज़ पे सेल कर दिया था। तो जहाँ हमें 30 पॉइंट का लॉस हो रहा था उसी जगह पे 44 to 25 26 हमें यहाँ पे 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था। तो अल्टीमेटली हमारे टोटल पोजीशन में 10 पॉइंट का लॉस था, बट एट द एंड मार्केट में अपसाइड मूवमेंट हुई यहाँ से यहाँ तक, और आप देखो फिर से 81 82 रुपीज़ के पास चला गया, तो जितना भी लॉस था वो रिकवर हो गया और ये भी ऊपर गया, और बट ये इतना नहीं जा सका, तो यहाँ पे जो गैप आ गई वो 2 पॉइंट्स जो ये था हमने सेलिंग साइड में, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। और नेक्स्ट टाइम ये 81 से 108 पे ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हो, और जो हमने 44 पे सेल किया था वो 54 रुपीज़ पे, तो यहाँ इस 13,400 कॉल में हमें सिर्फ 10 पॉइंट का लॉस है और यहाँ पे हम लोगों को नियर अबाउट 30 पॉइंट का प्रॉफिट है, 28 to 30 पॉइंट्स। और इवन ये जो डाउन साइड मूवमेंट हुई आज, ये देखो इतना बड़ा नीचे साइड मूवमेंट हुई और उतने ही तेजी से, तो ये अप एंड डाउन में भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे स्ट्रेटेजी में, क्योंकि जो भी प्रॉफिट है वो हमारा लिमिटेड है, बट एट द सेम टाइम हमें लॉसेस भी लिमिटेड होते हैं और आप इस ट्रेड को आराम से होल्ड कर सकते हो और स्ट्रेस फ्री आप ट्रेडिंग कर सकते हो और आप उसे एग्जिट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फ्रेंड्स दिस इज द सेंसिबल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हमने ऑप्शन चेन ओपन किया। अब हम सिंपली यहाँ से सेटिंग में जाके हम लोग थीटा को ऑन कर देते हैं एंड देन क्लोज। अभी जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है ये ट्रेड कर रहा है 13,355 रुपीज़, तो 13,350 का जो कॉल पुट है वो हो गया एट द मनी। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो एक चीज, 13,350 to 450, अगर कल अगर निफ्टी में अपसाइड मूवमेंट होती है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, 13,350 ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसका जो कॉल है ये कितने रुपीस पे ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज 78 रुपीज़, 77.90, मतलब लगभग 78 रुपीज़ पे।
तो 13,350 का कॉल अगर आप बाय करते हो 78 रुपीज़ पे, और इसी जगह पे आप 13,000, मैं इसको ये करता हूँ, ये आपने 13,350 का बाय किया, और इसी जगह पे आपने 13,450 का सेल किया, तो आप 77 पे यहाँ पे बाय करोगे और 34 रुपीज़ पे इसे सेल कर दोगे। आप ये 54 भी कर सकते हो, बहुत दूर मत जाना फ्रेंड्स, तो फिर वो मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो उसमें लॉस भी, अगर अपोजिट साइड में मूवमेंट होती है तो लॉस भी बड़ा होगा। तो हम 78 पे बाय कर सकते हैं, अगर मूवमेंट होती है, अगर अब ऐसा सिनारियो बनता है सपोर्ट पे, तो 78 पे हमने बाय किया और उसे 35 पे एक को सेल कर दिया। अब यहाँ पे अगर निफ्टी जहाँ पे हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया 13,350, अगर वहीं पे रहता है तो आप इसका थीटा चेक करो कितना है, 13,350 का थीटा देखना, ये थीटा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, दिस इज ऑलमोस्ट ये यहाँ पे 13 रुपीज़, 13 पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसका थीटा दिखेगा, थीटा इज 13 पॉइंट्स। अगर निफ्टी वही के वही रहता है तो आपका 13 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, 13 × 75। बट अगर आप ये पेयर एग्जीक्यूट करते हो, ये बाय और ये सेल, तो 13,450 का जो थीटा है वो 450 का जो थीटा है वो हो जाएगा 11। तो आपका ऑलमोस्ट ये थीटा बन जाएगा ओनली 2 पॉइंट्स। अगर आप इसके अलावा, अगर आप 13,300 को बाय करते हो और 13,400 को सेल करते हो, ये अगर पेयर लेते हो, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो 13,300 का जो कॉल है, जस्ट मिनट मैं आपको इसको बता, 13,300 का जो कॉल है उसका थीटा है 13, और जो 13,400 का कॉल है इसका भी थीटा है 13। अगर आप 13,300 को बाय करते हो और 13,400 को सेल करते हो, ये आपका रहेगा 108 रुपीज़ पे बाइंग, और ये रहेगा आपका 54 रुपीज़ पे सेलिंग। तो आपका थीटा यहाँ पे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं, ये 100% आपका ये बन जाएगा न्यूट्रल। आपने एक को बाय किया और एक को सेल किया, तो 13 माइनस 13, तो आपका थीटा बनेगा 0, यानी न्यूट्रल। तो दिस इज नोन एज थीटा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। तो कभी भी ऐसे ट्रेड को एग्जीक्यूट आप करोगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब जैसे इसके बहुत सारे एडवांटेज है, उसी प्रकार से कुछ डिमेरिट या ड्रॉबैक्स भी होने चाहिए। सो फर्स्ट ड्रॉबैक इज दैट कि अगर आप कोई एक ऑप्शन बाय करते हो जिसमें वो जो 100 रुपीज़ पे है, ठीक है, अगर कोई ऑप्शन हम लोग बाय करते हैं जो 100 रुपीज़ पे है, तो आपको पता है कि इसमें आपको जो प्रीमियम लगेगा वो मल्टीप्लाई बाय 75, यानी आपको जो कैपिटल लगने वाला है बाइंग के लिए वो लगेगा 7,500 रुपीज़, 7,500 रुपीज़, इतना प्रीमियम आपको लगेगा। बट अगर ये आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको ये कैपिटल लगने वाला है ऑलमोस्ट 20K, क्योंकि आप एक बाय कर रहे हो और एक सेल कर रहे हो, हेजिंग है, तो आपको ये 20K अमाउंट यहाँ पे लगने वाला है। सो पहला डिमेरिट यही है कि इट रिक्वायर्स लिटिल मोर कैपिटल दैन द कन्वेंशनल बाइंग, बट आप उसके एडवांटेजेस देखो कितने हैं। इसीलिए मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताने के पहले ऑप्शन की जो मेथड्स है ये क्यों करनी चाहिए ये आपको एक्सप्लेन किया। और अगर बहुत बड़ा गैप अप, बहुत अच्छा एक ट्रेंड अगर अपसाइड या डाउनसाइड होता है, तो आपको, आप इस स्ट्रेटेजी में आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा नहीं, क्योंकि आपने 75 पे बाय किया और 55 पे सेल किया, तो मैक्सिमम आपका प्रॉफिट जो होगा वो 20 पॉइंट्स का होगा। जैसे आपका रिस्क भी लिमिटेड है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा। बट मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं लिमिटेड से कहने से अच्छा डिफाइन प्रॉफिट कहूँगा, उसके एडवांटेज ज़्यादा है। बट अगर बहुत अच्छा अप ट्रेंड मार्केट में रहता है, अगर मान लो कि बहुत अच्छी एक मूवमेंट अपसाइड या बहुत अच्छी मूवमेंट डाउनसाइड होती है, तो जहाँ आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था कॉल बाइंग और पुट बाइंग में, तो आपको ये थोड़ा सा लिमिटेड रह सकता है। बट आप खुद सोचो कि इतनी बड़ी मूवमेंट या ट्रेंडिंग मार्केट कितने बार होता है, तो बहुत कम समय ऐसी मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। इस वजह से आपको अगर हमेशा प्रॉफिटेबल रहना है और एक प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड करना है, तो आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ ही ट्रेडिंग करना या बाइंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो।
हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द कंटेंट, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स. थैंक यू फ्रेंड्स.